मेल के बारे में, बहुत दिनों से हमारा जो डिजी मेल है वो ओपन नहीं हो पा रहा, तो हमने बहुत कोशिश करने के बाद आज हमारा डिजी मेल जो वो ओपन हो चुका है। इसमें क्या क्या नए अपडेट्स आए उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन मिले हमें, वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, सब कुछ डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो पूरे डिटेल्स देखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामदेव और आप देख रहे हो हिंदी यूट्यूब चैनल इकॉर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना डिजीमेल जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, जो 26 मार्च से हमारा जो डिजीमेल है वो पूरी तरह से बंद हो गया था, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से डिजीमेल में कुछ काम चल रहा था, इसीलिए हमारा डिजीमेल जो है ओपन नहीं हो पा रहा। अगर आपका डिजीमेल ओपन हो रहा था तो मुझे आप कॉमेंट्स में इसकी जानकारी जरूर दीजिए। देखिए, हमें ये 26 मार्च को जो हमें ये नोटिफिकेशन मिला था, जिसमें ये बताया गया था कि आपको जो है ये सर्विसेज जो है वो लाइव हो चुकी है मार्च 2018 से, जिसमें आप यहाँ पे उस स्किल ट्रेनिंग इसके अंदर ऐड हो चुकी है। उसके बाद नेवी रिक्वायरमेंट, ईपीएफओ, आधार सीडिंग, उसके बाद खाता कोड, बिलिंग और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, उसके बाद जीविका, डीजी रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे जीविका दीदी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद देखिए ये सभी सर्विसेज जो है वो लाइव हो चुकी है, जिसमें से हमें जो सबसे सर्विस जो इसके अंदर अच्छी लगी वो सर्विस ये है कि इसके अंदर नेवी रिक्वायरमेंट, ये सबसे अच्छी सर्विसेज इसके अंदर अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट आएगी वो रिक्वायरमेंट आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ही आप इसको इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगली प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हो। तो देखिए, डायरेक्टली आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल सर्च कीजिए JNAVY, देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। ये देखिए, फिर से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे एक रिजल्ट शो होगा जिसका नाम है नेवी रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके भी सब कुछ डिटेल्स आप यहाँ से फिल कर सकते हो, और नेवी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी नेवी की तरफ से उसको आप यहाँ से देख सकते हो। उसके लिए कुछ आप अप्लाई भी कर सकते हो। देखिए, अगला जो नोटिफिकेशन है वो देखिए यहाँ पे जो हमें मिला है कैशबैक शेड्यूल के बारे में। तो सिर्फ आपको यहाँ पे 5 दिन रह गए, जबकि देखा जाए तो हमें ये नोटिफिकेशन जब ये भेजा गया था उस समय से आज के दिन तक डिजीमेल जो है पूरी तरह से बंद था। हालांकि ये नोटिफिकेशन हमें जो है वो हमारी डिजिटल सेवा का जो पोर्टल है वहाँ पे इस जगह पे हमें यहाँ पे शो हो रहा था। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन करते हो आप 5,000 से ऊपर तो आपको 100 रुपये, उसके बाद 10,000 तक करते हो तो 500 रुपये, 25,000 तक करते हो तो 1,000 रुपये, उसके बाद 50,000 के लिए 2,000, 75,000 के लिए आपको 5,000, उसके बाद 1,00,000 के लिए आपको 10,000 रुपये रिवार्ड के रूप में दिए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है, टू अर्न द मैक्सिमम कैशबैक लॉग ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल विथ यूर क्रेडेंशियल्स एंड अवेल द वेरियस प्रोडक्ट सर्विस अवेलेबल ऑन इट। आपको ये सब कुछ यूज करके इस सर्विस का आप लाभ उठा सकते हो। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से कुछ न्यूज आई है। पीयूष गोयल की तरफ से, तो यहाँ पे उनके कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास आई है मन की बात के नाम से, जो हमारे पीएमओ है, ये तो अच्छे तरह से ओपन नहीं हो पा रहा। उसके बाद देखिए, जैसे न्यूज लेटर जो हमें मिला है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ से सिंपली आपको यहाँ पे डिस्प्ले इमेज पे हर बार क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरी तरह से ये सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी नई सर्विसेज इसके अंदर लॉन्च हो रही है, जिस तरह से कुछ एम्प्लॉय पावर हो रहा है, जो वुमन है उनकी पावर जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। उसके बाद कुछ बैंकिंग सर्विस इन्होंने कुछ लॉन्च किया है,
उसके बाद एजुकेशन में कुछ इन्होंने 6 to 10 जो स्टैंडर्ड है उनके लिए मल्टीमीडिया के माध्यम से क्लासेस लेने की सर्विस जो शुरू की है। उसके बाद पीएम दिशा का उन्होंने 20 वर्कशॉप उन्होंने ओपन किया है। उसके बाद सभी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, वाईफाई चौपाल, गुड न्यूज़, आपको यहाँ पे 50 LED अगर आप लेते हो तो उनके लिए आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। उनके बाद आपको यहाँ पे कुछ अटेंशन दिया हुआ है VLE प्लान के लिए, तो आप यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए हमें जो मेल मिला है 28 मार्च को, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट फॉलोइंग सर्विसेज हैज बीन मेड अवेलेबल थ्रू भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल यूनिक सेंट्रल प्रीपेड प्राइवेट लिमिटेड, ये गैस की एक कंपनी है। उसके बाद वडोदरा गैस लिमिटेड सीसी धीरे धीरे अपना जो है ग्रो कर रही है। इसके अंदर धीरे धीरे सभी जो कंपनियां जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, डिश रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, इसके बाद जो गैस की जो कंपनियां प्रोवाइड कर रही है, वाटर कंपनियां जो कि बड़े बड़े सिटी में जिस तरह से मुंबई, पुणे, दिल्ली, इन सभी जगह की जो वाटर कंपनियां है वो भी इसके अंदर धीरे धीरे ऐड हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारा अपना जो बेनिफिट है वो निकाल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो BBPS जो सिस्टम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमीशन नहीं है, पर हो सकता है कि आने वाले समय में इसके अंदर कुछ कमीशन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर ऑल VLEs ही इशूड पॉलिसी फॉर देन सेल्स। उसके बाद VLEs कैन एक्सेस द प्रोडक्ट यूजिंग द बिलोस मेंशन लिंक। आप इस लिंक के द्वारा ये सभी जो प्रोडक्ट है उसको आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से सभी कुछ यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो इस लिंक के द्वारा। उसके बाद क्या हमें एक नोटिफिकेशन मिला है 28 को, जिसके अंदर हमें ये मिला है कि डियर वीलीज बाय इशूइंग जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ नेट प्रीमियम्स ऑफ ₹6 लाख इंक्लूडिंग टैक्सेस, जो कि टैक्सेस के साथ में होगा, यू विल बी एलिजिबल फॉर बिलो कंटेंट्स एज वेल एज दिस कंटेंट इज अ पार्ट ऑफ कैशबैक शेड्यूल वेयर यू विल गेट 10,000 एक्स्ट्रा इन योर वॉलेट। अगर आप 6 लाख से एक्स्ट्रा कोई अगर आप प्रीमियम पेड करते हो इस CEC का जो डिजिटल सेवा पोर्टल उसके माध्यम से, तो आपको ये ₹10,000 तक एक्स्ट्रा कैशबैक जो है आपके वॉलेट में जमा कर दिया जाएगा। आप यहाँ सब कुछ डिटेल्स इसकी पढ़ सकते हो। उसके बाद एक और नया मिला नोटिफिकेशन उसी तारीख को, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट दे रखा है जिनके अंदर वर्कशॉप जॉब्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सब कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जिनमें इनको कुछ BPO चाहिए, कुछ बैंकिंग की इंश्योरेंस, इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म है उनके लिए उनको अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे सब कुछ शेड्यूल दे रखा है। तो उसके बाद हमें जो नोटिफिकेशन मिला है वो BBPS का है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से, जिसके अंदर ये नई सर्विसेज जो लॉन्च कर दी, जिसके अंदर ब्रॉडबैंड के अंदर आप यहाँ पे कनेक्ट ब्रॉडबैंड, हेथवे, उसके बाद टिकोना डिजिटल नेटवर्क, उसके बाद आप डीटीएच में DISH TV, सन डायरेक्ट और टाटा स्काई, लैंडलाइन में BSNL लैंडलाइन, उसके बाद इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद MTNL दिल्ली और मुंबई का इसके अंदर ऐड कर दिया है। मोबाइल में एयरसेल पोस्टपेड है, प्रीपेड इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें ही एयरसेल का जो पोस्टपेड है, एयरसेल का जो प्रीपेड वो लगभग बंद हो गया है। उसके बाद BSNL मोबाइल्स पोस्टपेड, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ जो दिया हुआ है लिस्ट पोस्टपेड की, उसके बाद आइडिया, उसके बाद वोडाफोन, वाटर के अंदर आपको यहाँ पे दिल्ली मिल जाएगा, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम, उसके बाद अर्बन इम्प्रूवमेंट्स ट्रस्ट UIT भिवड़ी के नाम से, उसके बाद उत्तराखंड जल संसाधन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बड़ी कंपनी, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगी, जैसे मुंबई, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो महाराष्ट्र के लिए जो यूज होती है,
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अलग अलग जो कंपनियाँ है उसकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे और इलेक्ट्रिसिटी कंसर्न के नाम के आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको नई नई सर्विस इसके अंदर लॉन्च हुई उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद गैस की जो कंपनी है जिससे गुजरात हरियाणा वडोदरा ये सभी कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे दी हुई है जिसकी मदद से आपको जो है डिजिटल सेवा पोर्टल को यूज़ करने में ज़्यादा अच्छा फायदा होगा और आपको मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, इसके अंदर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने अपनी मन की बात के नाम से ये टाइटल हाईलाइट होता है, जिसके अंदर उन्होंने कहाँ कहाँ उन्होंने जाके बात की, किस किस राज्य में बात की, सब कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप इसको इन वीडियो को देख सकते हो। ये देखिए सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जो देखिए इतने ही हमें मेल मिले 26 जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरह से वीडियोस को देख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो डिजीमेल के पूरे नोटिस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।